लंदन मेरा शहर नहीं है, न कभी था न कभी होगा। फिर भी पिछले 20 सालों से मैं यहीं हूं। पहले एक लॉ स्टूडेंट और अब एक वकील, अ सक्सेसफुल लॉयर। मैंने लंदन के बारे में बहुत कुछ सुना था। किसी भी चीज को खुद अपनी आंखों से ना देखने का सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि दिल और दिमाग उसे सच मान लेता है। लंदन के पास एक हार्बर में बोट ब्लास्ट हुआ, उसमें 30 लोग मारे गए। सबकी तरह मुझे भी लगा कि टेररिज्म यहां भी आ गया है। कुछ दिन पहले रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड का हेविली गार्डेड ट्रक 20 बिलियन पाउंड लेकर निकला, लेकिन जब लंदन पहुंचा तो पैसा गायब। और पुलिस के पास ट्रक के अंदर लगे हुए कैमरे से ली हुई एक फोटो, एक फ्रेम, एक क्लू, हु द हेल वाज दिस गाय। इसके आगे की न्यूज बहुत सिंपल थी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस और पुलिस को शक हुआ कि 20 बिलियन पाउंड की चोरी और बोट ब्लास्ट में जरूर कुछ कनेक्शन है। फिर पुलिस को एक चरी हुई डेड बॉडी मिली, क्योंकि पुलिस को हमेशा कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। उस चरी हुई बॉडी के पास पुलिस को एक पर्स मिला। पर्स रॉकर का था। पुलिस का अंदाजा था रॉकर ने ट्रक लूटा, बोट को ब्लास्ट किया और उसके बाद मारा गया। लेकिन प्रॉब्लम था वो पर्स, जिसमें रॉकर के फोटो के साथ उसके दो दोस्त थे, सिम और पीपी। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, सिंपल इंटरोगेशन। वैसे भी गुरु को आजकल हर एशियन टेररिस्ट ही लगता है। चुप रहना हर मुलजिम का हक है, पर चुप रहना किसी भी देश की पुलिस को अच्छा नहीं लगता। What money? Where the hell is the money? Money? Which money? Which the money? From the truck. Which truck are you talking about? I don't know. Are you on that boat? What boat? Which boat? With money and ammunition. No. Where were you last night? I was at my warehouse. Who trained you? My Guruji trained me. Do you have any connections to any terrorist groups? Militants? I have no connections. Who gave orders to kill Rocha? What orders? Al-Qaeda. What? Al-Qaeda? Yeah, Al-Qaeda. I don't know Al-Qaeda. Rocker to mar chuka tha, par inke do dost lapata the. Chip aur Deva. Two-second glitch in security cameras is the only clue that the police... Bomb attack and 20 billion robbery. They relate to 20 billion robbery. They relate to... Police are clueless. और इस सब के पीछे थी एक स्ट्रगलिंग न्यूज रिपोर्टर, जिसके साथ मैं सिर्फ एक बार एक बारिश की रात स्विमिंग करने गया था, और इत्तेफाकन उसका नाम भी था मॉनसून। Shit. Hi. Rent. This time you pay. I will. Just give me a few days. You got to trust me. Ah, trust please, this man. Please. Trust this. Look at this. I need this rent today by 5 o'clock. You understand? You are looking good though. But I need this rent today. Got you. Good morning, Monsoon. इस स्टोरी के लिए तो तुझे अवार्ड मिलना चाहिए. इंडियन कपल इन बैंक रॉबरी? ये क्या बकवास है? रॉकर और ये दोनों बोट ब्लास्ट से कैसे कनेक्टेड हैं? हाँ? Do you have facts? Answer me. और तू सुन रही है कि नहीं?
वो सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? What are you talking? I am talking about my torn ass. Do you know? पुलिस और इंटेलिजेंस के लोग सुबह से तेरी नहीं मेरी उधेड़ रहे हैं. Understand? What? Oh! Sir, please try and understand. मेरी story 100% correct है. मैं उन दोनों को मिलने पुलिस स्टेशन ही जा रही हूँ. There's a problem. I'm aware. Yes, I know. Sir, I promise you, sir. पूरे facts के साथ you'll get a real धमाकेदार news. तेरा resignation letter तो मैं खुद type करने वाला हूँ. That is धमाकेदार. You understand? और अगर कुछ गड़बड़ हुई ना बेबी, I promise you, आज शाम को I will put you in the clock in Big Ben. What? Naked. Sweetheart, कल के front page पर that will be the most धमाकेदार news. Very funny. Give me some time, sir. मैं कर लूँगी. I promise. Oh. Hi, I'm Monsoon Iyer, crime reporter, Indian Tribune. Look, हम आपकी मदद करना चाहते हैं. Sure. Actually, मुझे जर्नलिस्ट बहुत पसंद है. इनफैक्ट मैं भी एक जर्नलिस्ट ही बनना चाहती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसके लिए किस किस के साथ सोना पड़ेगा. लुक, मुझे पता है कि तुम्हें काफी कुछ पता है, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम लोगों ने सब कुछ नहीं बोला. नहीं, हमने पुलिस को कुछ नहीं बताया, क्योंकि पुलिस को बताने का कोई फायदा नहीं है. पुलिस और डीए हमारी किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे. मैं चाह रहा था कि मैं किसी जर्नलिस्ट को बता सकूं. इसीलिए मैं यहां आई हूं. मुझे सब कुछ बता दो. कोई छोटा बड़ा अच्छा बुरा कोई भी, कोई वकील मिल सकता है? एक्सक्यूज मी, वकील? आपको हमारी स्टोरी चाहिए ना? या हमें वकील चाहिए. बट नो लॉयर इज गोइंग टू टच अस. शायद एक लॉयर है. Truth and justice need no caste, creed or nationality. Let truth and justice prevail. Sir, please, one question, sir. Truth and justice needs no caste, creed or nationality. Let truth and justice prevail. Sir, I'm ready. I'm almost, Anna. Give me a second. Don't you think, Anna, from here London looks like a disco? But without music, sir. Ladies and gentlemen, the Bar Association proudly presents our guest of honor, attorney at law, Mr. Krishna Pandit. Ladies and gentlemen, the difference between a lawyer and a computer is a computer gets twice as intelligent and half as expensive compared to a lawyer every year. But still we win cases, like this very critical case against the joint monopoly of the computer lobby. Thank you. Thank you once again. And now for this victory, I would like to thank my entire team who worked day and night to make this possible. I can't speak right now. Well, I won't take much of your time. Thank you. Thanks. I'll speak to you. Hi, Jack. How are you? Mr. Krish. Oh, yeah, I'll speak to you later. Mr. Krish, thank you. Please. Come on, let's have a drink. Come on. Mr. Krish, please. Yeah, you want champagne? One question. Yeah, please come here. Yeah, just give it to me. Thank you very much. Thank you so much. Krish! Who? I'm really sorry. Krish! Krish!
Krish! Hi, congratulations, Mr. Pandey. Krish. Wrong time, wrong place, wrong dress. I'm sorry. इतने लोगों में मुझसे हैंडसम और कोई नहीं मिला आज मेरा सर मत खाओ लुक अराउंड दो हिंदुस्तानियों को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन्हें वकील चाहिए दे नीड आवर हेल्प वी हैव टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स मेरे गांव में भी काफी लोगों को पुलिस पकड़ती है गांव चलें इट्स सेंसिटिव मेरी रेपुटेशन भी बहुत सेंसिटिव है खासकर बेवकूफों से तुम्हें करना पड़ेगा क्यों क्योंकि मैं कह रही हूँ दैट्स व्हाई एक भीगी रात की इतनी बड़ी कीमत लंदन की मॉनसून मुझे बहुत महंगी पड़ रही है क्रिश यू डोंट अंडरस्टैंड जो 20 बिलियन पाउंड चोरी हुए उसके पीछे कोई इंडियन लड़का है रॉकर ये बात मुझे किसी ने फोन पे बताई थी किसने मुझे नहीं पता मैंने उसका पता लगाया और स्टोरी फाइल कर दी जिसमें उसके कुछ दोस्तों का नाम छप गया फिर न्यूज़पेपर ने समहाउ ये इंसिडेंट और बोट वाले इंसिडेंट को जोड़ दिया और जिसने मुझे फोन किया था उसने सिर्फ एक नाम बोला रॉकर वो अब मर चुका है मेरी रिपोर्ट की वजह से उसके दोस्त गिरफ्तार हुए कांट यू सी आई एम रिस्पॉन्सिबल इट्स माय मिस्टेक यू हैव टू हेल्प मी एक लॉयर से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए बैड मैनर्स बाय द वे डकी डक आजकल तुम्हारी सेक्स लाइफ कैसी चल रही है नॉट लुकिंग हॉट लंदन में कहते हैं दोस्त चाहिए तो कुत्ता खरीद लो मुझे खरीदने की जरूरत ही नहीं यू राइट मैं हूं ना क्रिश केस तो सुन लो प्लीज टेक द केस फॉर माय सेक प्लीज नो क्रिश नो क्रिश नेवर Prime Minister Tony Blair has just finished a high security meeting. Police have arrested two Indians, Ms. Sim and Mr. Peepee, after finding a wallet belonging to a man named Rocker near a charred body. A 2-second video recording from a camera in the truck is the only clue the police have. Police intelligence indicates Rocker is a primary suspect and his two friends Peepee and Sim are currently in custody and being interrogated. Hello, Krish bol raha hu. Pata karo un Indians ke case ka judge kaun hai? Yeah. I'll see you at the court. Okay, good night. Hello?